यह देवभूमि में चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के अध्यक्ष नजर आएंगे। जेपी नड्डा चुनावी हुंकार यहां पर भरते हुए नजर आएंगे। पिथौरागढ़ में रैली करेंगे और इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा कहीं ना कहीं अपील करते हुए नजर आएंगे। वोट्स की अपील यहां पर उनके द्वारा की जाएगी। विकासनगर में जनसभा को संबोधित करेंगे नड्डा। 5 अप्रैल को हरिद्वार में जेपी नड्डा का रोड शो भी होना है, तो इसको लेकर भी तमाम तैयारियां प्रशासन द्वारा पुख्ता की जा रही है। 5 अप्रैल वो तारीख जब हरिद्वार पहुंचेंगे और वहां पर भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। तो अगर देखा जाए तो देवभूमि में लगातार जमावड़ा, बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व के जो नेता है वो पहुंच रहे हैं। तमाम दिग्गज इस वक्त देवभूमि के जो महारण है 2024 के मैदान में इस वक्त नजर आ रहे हैं। कुछ दिन पहले ही देखा गया था जब रुद्रपुर पहुंचे हुए थे प्रधानमंत्री, भारी जनसैलाब उनके भी कहा जाए तो जनसभा स्थल में देखने को मिली थी। और कहीं ना कहीं जो लोगों का, देवभूमि वासियों का प्यार है वो वहां पर देखने को मिला था। अपार प्यार देवभूमि वासियों ने उन पर बरसाया था। लेकिन आज क्योंकि पिथौरागढ़ पहुंचेंगे तो देखिए जेपी नड्डा को लेकर की ये जानकारी मिल रही है कि जेपी नड्डा पहुंचेंगे और साथ ही साथ चुनावी हुंकार यहां पर भरते हुए नजर आएंगे। जेपी नड्डा का कार्यक्रम आज उत्तराखंड का रहने वाला है, जहां पर देवभूमि में चुनाव प्रचार करते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। पिथौरागढ़ की बात करें तो रैली करते हुए बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा नजर आएंगे। दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर जहां पर देखिए पिथौरागढ़ पहुंचेंगे, इसके बाद हरिद्वार भी जाएंगे और वहां पर भी रोड शो करते हुए नजर आएंगे। और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यक्रम इस बीच प्रस्तावित है और 5 तारीख को हरिद्वार के अंदर भव्यतम कार्यक्रम की हमने श्रृंखला तय की है। पहला कार्यक्रम संतों से संवाद का रहेगा, उसके बाद रोड शो का कार्यक्रम है और फिर त्रिदेव सम्मेलन जिसमें हमारे बूथ अध्यक्ष, बूथ पालक, बूथ सचिव और सुपर कार्यकर्ताओं ने बुलाया हुआ है। 7,000 कार्यकर्ताओं का सम्मेलन रहेगा जिसको राष्ट्रीय अध्यक्ष जी संबोधित करेंगे।